हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का स्वाद में। आज मैं बहुत ही हेल्दी दूध की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हमारी सेहत को बहुत ही सेहतमंद रखेगा। और बहुत ही हेल्दी दूध है ये। और आजकल क्या होता है, बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो हमें किसी तरह से उनको दूध पिलाना होता है। तो हम इस तरह से बच्चों को दूध देंगे तो वो फटाफट से दूध पी जाएंगे। तो ये बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत ही सेहतमंद दूध की रेसिपी है। और आप इसे ज़रूर देखें, बड़े हो या बच्चे हो, इसे ज़रूर इस तरह से पीना चाहिए। तो हम काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं हमको। तो घुटनों का दर्द, कमर दर्द या आपके आंखों में प्रॉब्लम हो तो ये बहुत ही राहत देगा। चलिए, ये दूध कैसे बनाते हैं हम इसको बनाते हैं और फटाफट आपको दिखाते हैं। चलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम एक बोल लेते हैं और हमने ये खजूर लिए हैं। ये मैंने 8 से 10 खजूर लिए हैं, तो ये एकदम फ्रेश खजूर है। आप इसकी जगह छुहारे भी ले सकते हैं अगर आपको पसंद है, लेकिन छुहारे क्या होते हैं, कभी कभी अंदर से ख़राब होते हैं। तो हमने ये खजूर लिया है, इसको हमने बोल में डाल दिया है। आप इसकी जगह खजूर लें तो बहुत ध्यान से देख के लीजिए, उनके अंदर कभी कभी कीड़े भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये खजूर लिया है। खजूर भी बहुत ही हेल्दी होता है। और अब हमने लिए हैं बादाम, ये मैंने 20 से 25 बादाम लिए हैं, तो हम इसे भी बोल में डाल लेते हैं। अब हम लेते हैं इसी कप से दूध और इन दोनों चीज़ों को भिगा लेते हैं अच्छे से, और हम इसे चम्मच से अच्छे से हिला लेते हैं ताकि अच्छे से दूध में डूब जाए। और हम इसे इस तरह से मिक्स करने के बाद छोड़ देंगे। हमें ये भिगा के रखना है, तो हम इसे ढक के रखेंगे 2 या 3 घंटे के लिए। चाहे तो आप पूरा रात भर भी इसे भिगा के छोड़ सकते हैं। इस तरह से हम इसे बहुत अच्छे से भीगने देंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। हम इसके बाद इसका यूज करेंगे। अब ये देखिए, मैंने इसे 3 घंटे के लिए भिगा के रखा था, तो ये बहुत ही अच्छे से भीग गए हैं खजूर भी और बादाम भी। देखें, चाहो तो आप बादाम का छिलका हटा सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही पौष्टिक होते हैं, हम इसे नहीं निकालेंगे। अब हमने जो खजूर लिए थे इनके अंदर गुठली है, तो हम इसे इस तरह से चाकू से कट करते हुए खजूर की गुठली निकाल लेते हैं फटाफट। ये देखिए, और आप इस छुहारे लेते हैं तो छुहारे की गुठली भी आप इसी तरह से निकाल लीजिए। ये देखिए, मैंने सारे खजूर की गुठली निकाल दी है। अब हम लेते हैं एक मिक्सर जार, मिक्सर जार में हम खजूर और बादाम डाल देते हैं अच्छे से। सारे खजूर और बादाम हम इसमें डाल देते हैं इस तरह से, और हम इसमें थोड़ा सा ये दूध भी डालेंगे इसी को, जो दूध हमने भिगा के रखा था इसमें, और हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे और हम इसका ढक्कन बंद करके इसका एकदम पेस्ट बना लेंगे। आप ग्राइंड करके बहुत ही अच्छे से, ये देखिए, इसका पेस्ट बना के हमने तैयार कर लिया है। इस तरह का होना चाहिए ये पेस्ट। अब हम इसे एक टिफिन में निकाल लेते हैं और हम इसे सारा टिफिन में निकाल के स्टोर करके रख सकते हैं 4-5 दिन के लिए फ्रिज में, और जैसे ही हम दूध बनाएंगे इसे यूज कर सकते हैं इसमें। तो हम चलते हैं इसे गैस की तरफ। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और हम अब गैस में एक पैन चला देते हैं। इसमें हमने डाल दिया है 2 कप भर के दूध। आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से दूध डाल दीजिए। दूध पहले से गर्म है और हम इसे और गर्म करेंगे। ध्यान रहे, अगर फुल क्रीम दूध है तो उसका मलाई निकाल लीजिए आप। ये मलाई वाला दूध बच्चे कम पीते हैं, अगर ज़्यादा मलाई वाला दूध रोज पियेंगे तो वो फैट कर सकता है, इसीलिए हम दूध को अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। अब ये देखिए, दूध अच्छे से बॉईल हो गया है। हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे तो थोड़ी देर और इसे पकने देते हैं खूब अच्छे से। अब लेते हैं हम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी बहुत ही कारगर है सर्दी जुखाम और नाक बंद या बॉडी पेन हो तो हम इसे जरूर लेना चाहिए। हम इसमें से 1 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी पाउडर क्या होता है, काफ़ी सारे फायदे करते हैं। ठंड लगती है तो उससे भी हमें बचाता है ये, और जोड़ों का दर्द होता है या वो हड्डी में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो ये हल्दी वाला दूध भी बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए। हमें हल्दी वाला दूध वैसे भी डेली पीना चाहिए, तो हमें इसे अच्छे से 2-3 मिनट और उबलने देते हैं दूध को। गैस का फ्लेम लो हाई करते जाएंगे और बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे और उबालते जाएंगे। और देखिए, ये बहुत ही अच्छे से
उबल गया है तो हम गैस को बंद कर देते हैं। अब लेते हैं हम ये सर्विंग ग्लास, तो हम गिलास में पहले दूध डालेंगे, ये हल्दी वाला दूध जो हमने लिया था पहले इसको डालेंगे हम दोनों गिलासों में, और आपको जैसे भी इसमें पीना है तो आप उसमें इसे ले सकते हैं इस तरह से। अब मैंने दोनों गिलास में दूध को फिल कर दिया है। अब लेते हैं हम ये बादाम और खजूर का पेस्ट बना के रखा था जो हमने पहले, अब हम एक एक चम्मच इस गिलास में डाल देते हैं इस पेस्ट को। दोनों गिलास में हम एक एक चम्मच डाल देंगे, ये बहुत ही हेल्दी होता है, हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल एक एक चम्मच डालना है इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जो हमने ये पेस्ट बना के इसमें डाला है, तो इसे दूध में अच्छे से मिक्स करने के बाद दूध में बहुत ही अच्छे से घुल जाना चाहिए इसे, नहीं तो ये क्या होता है एक ही बार में मुँह में आ जाएगा। तो हमें इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से, और जो हमारा एक्स्ट्रा पेस्ट बचा है हम इसे टिफिन में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं, और हम इसे 4-5 दिन तक का एक एक चम्मच सुबह शाम दूध में डाल के ले सकते हैं इस तरह से, ये खराब नहीं होता है, तो 3-4 दिन तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, और ख़त्म हो जाए तो हम 3-4 दिन बाद फिर इसे बना के रख सकते हैं इसी तरह से। और सर्दियों में ये बहुत ही राहत देता है हमें, एक तो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और दूसरे हमें रोगों से लड़ने के लिए ये बहुत ताकत देता है, और बच्चों के लिए बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। आजकल बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो इस तरह से फटाफट से दूध भी पी जाते हैं, हमें इसे एक एक चम्मच डालना है। इसमें हमें चीनी या गुड़ कोई भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि खजूर मीठा होता है तो दूध मीठा हो जाता है। अब हम लेते हैं थोड़ा सा केसर के धागे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा केसर डाल लेते हैं ताकि और अच्छा लगे और इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छे हो जाए। और देखिए इस तरह से हम बच्चों को देंगे तो बच्चे फटाफट से एक गिलास दूध ख़त्म कर जाएंगे और उनको मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरह से हम जब बच्चों को देते हैं वो फटाफट से सारा दूध पी जाते हैं। चलिए हम इस तरह से बना के बच्चों को पिलाते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ताकि मैं इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।